हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ गर्मियों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक, जो कि आपको बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी कूल रखेगा। ये है रागी माल्ट, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रागी का आटा, वो भी 2 चम्मच, और फिर उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी और रागी के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और फिर हम लेंगे एक पैन या फिर कढ़ाई, और उसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी, और पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आते ही जो बैटर सा हमने बनाया था उसे डाल देंगे। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए लगातार स्टर करते रहेंगे। देखिए, ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा पतला ही पसंद है। जैसे ही ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर बनाया है बटर मिल्क, उसके लिए लिया है मैंने कर्ड, और फिर उसमें डाला है ज़्यादा सा पानी, और इसको हम अच्छे से विस्क करेंगे। ये देखिए, हमारा बटर मिल्क काफ़ी स्मूथ हो गया है। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जैसे कि ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। भुना जीरा मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैं नहीं डाल पाई, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और फिर इसे मिक्स करेंगे। और दूसरी साइड हमारा जो रागी माल्ट था वो ठंडा हो गया है, अब हम उसे देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है पहले से। अब हम इसे बटर मिल्क के अंदर ऐड कर देंगे। बटर मिल्क और रागी माल्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इन दोनों को फिर से रई से विस्क कर देती हूँ। मैंने बाद में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और ऐड किया। फिर इसको ग्लास में करके अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे गाढ़ा या पतला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसे पतला ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा पतला ही रखा है। आप इसके साथ में चटनी वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉल पर इसके साथ में चटनी, मूली और कुछ अचार दिया जाता है, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।